ये कहानी है इस जंगल में रहने वाले दो जुड़वा शेर भाइयों की। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। एक भाई का नाम वीरू और दूसरे का नाम वीरा था, और दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे सुनहरी रंग के थे। वीरू और वीरा दोनों बड़े ही होशियार और बहादुर थे। जंगल में जब भी कोई खूनी जानवर आतंक मचाने आता तो दोनों मिलकर उसे मार देते थे। इनके होते हुए ऐसा कोई भी जानवर जंगल में घुस नहीं पाता था। इनके राज्य में सभी जानवर सुख शांति से मजे कर रहे थे और अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन जानवरों की शांति बर्बाद करने के लिए इस जंगल में एक बाघ आ चुका था। दरअसल ये बाघ एक चीता के साथ रहता था। चीता ही इस बाघ की सेवा करता और इसे ढूंढ ढूंढ कर भोजन ला कर देता। एक दिन चीता भागता हुआ बाघ के पास आया। महाराज महाराज, बन गया हमारा काम। आज मैं पास के जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे मोटे ताजे जानवर हैं। मुझे लगता है हमारे भोजन का अच्छा इंतजाम है वहाँ। अच्छा तो चलो चीता, ले चलो मुझे जल्दी से वहाँ। महाराज लेकिन थोड़ी सी समस्या है वहाँ। चीता भला तुम्हारे होते हुए क्या समस्या हो सकती है? महाराज वहाँ के जानवरों के राजा दो शेर भाई हैं। दोनों भाई बड़े ही ताकतवर हैं। पहले हमें कैसे भी करके इन्हें रास्ते से हटाना होगा। अरे ये काम तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा बोलकर दोनों इस जंगल में आ गए। तब उन्होंने देखा कि दोनों भाई जानवरों के साथ कुछ सभा आयोजन कर रहे थे। तब उनमें से एक भाई वीरू शेर बोलता है, सभी दोस्तों ध्यान से सुनो, मुझे पास के जंगल में कोई काम आ गया है। जब तक मैं इस जंगल में वापस ना लौटाऊं तब तक वीरा ही इस जंगल को संभालेगा। तब ये सब कुछ देखकर चीता बोलता है, अब आगे देखना मैं इन दोनों भाइयों को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। हाँ चीता, अब हम इन दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे और फिर इन्हें खत्म करके हम खुद इस जंगल पर राज करेंगे। तब वीरू किसी काम से दूसरे जंगल में चला जाता है। तब अगले दिन चीता और बाघ वीरा के पास आते हैं। महाराज हमने आपके जंगल की एकता के बड़े किस्से सुने हैं, इस वजह से हम आपके जंगल आए हैं। हम आपके जंगल के जानवरों के साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं, अगर आप हमें इजाजत दें तो। जंगल में आपका स्वागत है दोस्तों, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, जो आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी। वो दोनों बड़े मजे से जंगल में रहने लगते हैं। वो अगले दिन एक प्लान बनाते हैं। प्लान के हिसाब से चीता भागता हुआ वीरा के पास आता है। महाराज महाराज, मैं अभी अभी किसी काम से दूसरे जंगल गया हुआ था। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ के कुछ सिपाहियों ने आपके भाई वीरू को कैद किया हुआ है। वो बहुत मुसीबत में है महाराज, कुछ करें। ये तुम क्या बोल रहे हो चीता, मेरा भाई मुसीबत में है, मैं अभी जाता हूँ। जब वीरा ने ये सुना तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई की तरफ जाने लगता है। तब चीता और बाघ सभी जानवरों को बुलाते हैं और बाघ कहता है, तुम्हारे जंगल के दोनों महाराज वो दोनों शेर भाई तुम्हारे जंगल को छोड़कर भाग गए हैं। आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ और ये चीता मेरा सेवक है। जब वीरा अपने भाई के पास पहुंचा तो वो देखता है कि कुछ सिपाहियों ने इसके भाई को कैद कर रखा था और इसे वो पिंजरे से निकालना चाहता था। लेकिन तभी एक सिपाही इस पर जोरों का वार करता है और इसे भी इस पिंजरे में कैद कर लेता है। और ये सब इस चीता और बाघ का किया धरा था। चीता ने बड़ी चालाकी से वीरा को भी भगाकर अपने रास्ते को साफ कर लिया था। और अब बाघ और चीता जानवरों से भोजन मंगा मंगा कर मजे से खाते और जंगल पर अपना हुक्म चलाते थे। लेकिन वीरू और वीरा भी बड़े बहादुर थे। जब सारे सिपाही आराम करने चले जाते हैं तब दोनों भाई बड़े ताकत से इस पिंजरे को तोड़ने लगते हैं और आखिरकार इस पिंजरे को तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं और सबसे पहले अपने जंगल में जाकर इस बाघ को बड़े जोरों से मारने लगते हैं और इस बाघ को वहीं ढेर कर देते हैं।
फिर चीता जो हुआ सभी जानवरों को बताता है। तब वीरू और वीरा चीता को इसके किए की सजा देते हैं और इसे भी एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। और फिर से ये दोनों भाई सभी जानवरों के राजा बनकर इस जंगल पर राज करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी? अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ढोलकपुर जंगल में सभी जानवर बड़े मजे से रह रहे थे। इनके जंगल का राजा एक शेर था। यादव शेर एक नेक दिल शेर था। वो हमेशा सभी जानवरों की मदद करता था। एक रात इस जंगल में कहीं से एक गोल्डन पेड़ प्रकट होता है और इसके अंदर से एक रंगीन चीता बाहर निकल कर आता है और कहता है, अरे वाह, ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। अब मुझे इस जंगल में ही रुककर मजे करने होंगे। अगले दिन एक भालू भागता हुआ अपने राजा यादव शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में न जाने किसने जानवरों को मार डाला है। हर तरफ जानवरों की लाशें ही लाशें पड़ी हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो भालू? ऐसा कौन कर सकता है? तब यादव शेर वहां जाकर देखता है तो वहां जानवरों की लाशें ही लाशें पड़ी थी। ना जाने किसने इन जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। मेरे होते हुए ये सब किसने किया? जिसने भी ये सब किया है वो मुझसे बच नहीं सकता। दरअसल ये सब उसी रंगीन चीते का ही काम था जो उस दिन गोल्डन पेड़ से निकल कर आया था। वो आज फिर रात होने पर जंगल में निकलता है और इसे जंगल में जो भी जानवर मिलता वो इसका शिकार कर लेता और फिर से अपनी गुफा में चला जाता। अगली सुबह फिर से भालू यादव को सारी बात आकर बताता है। तब यादव बोलता है, भालू, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में जरूर कोई खूनी जानवर घुस आया है। आज हम दोनों को पता करना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तब भालू और यादव दोनों इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी यादव को गुफा में वो रंगीन चीता आराम करता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, तो ये है वो रंगीन चीता जो रात होते ही जानवरों को मार डालता है। आज रात मुझे देखना होगा कि क्या ये अकेला ही ये सब कुछ कर रहा है या फिर कोई और भी है इसके साथ। अब यादव रात के समय इसकी गुफा के साथ छिपकर खड़ा हो जाता है। तब वो खूनी रंगीन चीता एक बाघ मानव में बदल जाता है और जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में भाग निकलता है। ये सब देखकर यादव हैरान रह जाता है। अरे, ये कोई साधारण चीता नहीं है, ये तो एक रूप बदलने वाला जादुई चीता है। मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी सेना को इसके मुकाबले के लिए बुलाना होगा, तभी मैं इसे खत्म कर सकूंगा। तब अगले दिन यादव अपनी सेना के पास जाता है। आइए महाराज, आज हमारे पास कैसे आना हुआ? सुनो सिपाहियों, जंगल में एक खूनी रंगीन चीता घुस आया है और वो बाघ मानव के रूप में भी बदल जाता है। शायद इसके पास कोई जादुई शक्तियां भी हैं। मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। तब रात के समय जब वो चीता बाघ मानव में बदल कर शिकार करने जा रहा था, तब यादव अपनी सेना के साथ इसके सामने आ खड़ा होता है। ओए खूनी चीते, तुमने मेरे जंगल के जानवरों का शिकार करके बहुत गलत किया है। अब मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। तब यादव और इसके सिपाही अपनी शक्तियों से इस पर वार करते हैं और इसी लम्हे इसे मौत की नींद सुला देते हैं। तब फिर से यादव सभी जानवरों के साथ मिलकर खुशी से रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यादव शेर ने अपने जंगल के जानवरों की जान इस खूनी चीते से बचा ली। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब